नमस्ते, हूँ आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर यूनिट 6, पोयम मिस्टर नोबडी। अब हम मिस्टर नोबडी में एक और एक छोटी सी क्यूट सी बहुत ही अच्छी सी पोयम है, पता है उसका नाम क्या है? यस, द जिगजैग बॉय। यस, डू यू नो हु इज द जिगजैग बॉय? क्या आपको जानना है कौन होगा ये झिकझक बॉय? यस, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। दिस इज योर बुक, राइट? यहाँ पे आपको एक बॉय का पिक्चर दिख रहा है। यस, इसका नेम है झिकझक बॉय। तो पता है क्या आप झिकझक बॉय हो? ये हम इस पोयम से जान सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पोयम में जो झिकझक बॉय है उसकी थोड़ी सी हैबिट्स है। पता है क्या है उसकी हैबिट्स है? वो हर चीज अपनी भूल जाता है कि उसने अपनी चीज कहाँ पे रखी है, उसका कोट कहाँ पे रखा है, हैट कहाँ पे रखा है, शूज कहाँ पे, वो हर एक चीज भूल जाता है। और दूसरी और एक चीज उसकी एक बहुत ही हैबिट है कि वो हरदम कभी इस तरफ चलता है, कभी उस तरफ चलता है। यानी कि जैसे कि एक रास्ता है, राइट, दिस इज अ रोड। तो यहाँ पे रोड पे आप देख सकते हो वो ऐसे चलता है, कभी कभी ऐसे चलेगा, कभी ऐसे चलेगा, कभी ऊपर चलेगा, कभी नीचे चलेगा, वो आड़ा टेढ़ा ही चलता रहता है। इसीलिए उसका नाम हो चुका है जिग जैग बॉय, बिकॉज व्हेन ही इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रेट वे ही ऑलवेज वॉक दिस वे दैट वे, दिस वे दैट वे। तो उसके कारण कौन सी लाइन बन जाती है? झिकझैग। यस, तो उसके कारण उसका नेम क्या हो गया? झिकझैग। यस, तो क्या आप झिकझैग बॉय की तरह चलते हो? क्या आप झिकझैग बॉय की तरह अपनी जी से भूल जाते हो? नहीं। और यस, क्या? चलो अब हम इस पोयम में चलते हैं। तो बच्चों, जब आपको स्टार्ट करनी होती है पोयम तो हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94, देन यू कैन सी द झिकझैग बॉय पोयम इज देयर, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स रीड द पोयम एंड एंजॉय इट। ओके ओके फाइन, चलो नंबर वन लाइन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पॉइंट आउट द लाइंस, राइट? ओके, I know a little zigzag boy. I know a little zigzag boy who goes this way and that way. यानी कि वो, मैं एक छोटा सा लड़का zigzag boy नाम का एक लड़के को जानता हूँ जो कैसे चलता है? This way, यानी कि इस तरफ चलता है, कभी उस तरफ चलता है, कभी इस तरफ चलता है, कभी उस तरफ चलता है। Yes. Now next. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. पता है उसकी हैबिट क्या है? Yes, उसे कभी भी याद नहीं रहता है उसका हैट कहाँ पे है, उसका कोट कहाँ पे है, और या फिर उसके शूज। Yes, वो हर दिन अपनी चीजें भूल जाता है। कभी उसकी हैट उसने जो पहनी होती है, राइट, हैट पहनता है, कभी वो कहीं पे भी रख के वो भूल जाता है। यस, और फिर अपने शूज निकाल के कहीं पे भूल जाता है, और कभी कभी तो क्या होता है उसका कोट, यस, उसका कोट भी वो पहन लेता है और फिर निकाल के कहीं पे भी रख देता है और वो भूल जाता है। क्या आप ऐसे करते हो, अपनी चीजें यहाँ वहां रख के भूल जाते हो? यस और नो? या तो आपका नेम झिकझैग बॉय बन सकता है। इसके लिए चलो आगे बढ़ते हैं हमारी पोयम में। सो हिज कोट और शूज और हैट, यानी कि अपनी चीजें वो रख के भूल जाता है। लेट्स स्टार्ट अवर सेकेंड पैराग्राफ। इफ यू आर नॉट झिकझैग चाइल्ड, you shall have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. यानी कि if
कभी भी आप अपनी चीजें ऐसे भूल नहीं जाते हो, यहाँ वहां रख के भूल नहीं जाते हो, तो आप कह सकते हो कि मैं जिगजैग बॉय नहीं हूँ, राइट? यस, क्योंकि जो ज्यादातर अपनी चीजें भूल जाता है यहाँ वहां रख के, फिर इस तरफ उस तरफ चलते रहते हैं, उनका नेम क्या हो जाता है? जिगजैग बॉय। जिगजैग गर्ल भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि मैम ने सिर्फ बॉय को ही कहा है तो सिर्फ जिगजैग बॉय ही हो सकते हैं। नहीं, जो अपनी चीजें यहाँ वहां रख के भूल जाते हैं वो जिगजैग गर्ल भी हो सकती है, राइट? ओके, सो इन दिस पोयम व्हाट वी लर्न, यस, हमने ये सीखा कि हमने हमारी चीजें संभाल के अच्छी तरह से उसकी प्लेस पे रखनी चाहिए और कभी भी यहाँ वहां रख के भूलना नहीं चाहिए, राइट? ओके, सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोयम यू कैन सी, कैन यू मेक अ जिगजैग लाइन? क्या आप ऐसी जिगजैग लाइन बना सकते हो? यस, वेरी गुड, सी हाउ द जिगजैग बॉय रन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी बुक में जिगजैग बॉय कैसे रन करता है। यस, कैसे रन करता है? जिगजैग की तरह ही रन करता है। हाँ, तो आप यहाँ पे ट्रेसिंग कर सकते हो, यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ द डॉट्स, यानी कि डॉट्स की लाइन है, राइट? यहाँ पे देख सकते हो, यस, डॉट्स की लाइन है, उसकी हेल्प लेके आप अच्छी तरह से जिगजैग लाइन कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन यू कैन लर्न हाउ टू मेक अ जिगजैग लाइंस, राइट? ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पोयम एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस जिगजैग लाइन एक्सरसाइज यू हैव टू डू प्रैक्टिस अबाउट कर्स्यू। यस, अब हमें कर्स्यू वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, लेट्स प्रैक्टिस। ऑन द पेज नंबर 95 यू कैन सी देयर इज अ सम वर्ड्स, राइट? क्वाइट, अग्री, माउस, ब्रेक, प्लेट एंड जिगजैग। तो ये सारे वर्ड्स है, आपको क्या करना है? यू हैव टू ट्रेस दिस वन, राइट? ये वाले जो वर्ड्स है आपको ट्रेसिंग करना है एंड प्रॉपर फोर लाइन, राइट? प्रॉपर फोर लाइन में कैसे हम कर्स्यू राइट करते हैं वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से विद गुड हैंड राइटिंग यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 95 इन योर होमवर्क। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर यूनिट 6 poem Mr. Nobody is complete. Now you have to fill up page number 95 at homework. Thank you for joining us.